हेलो एवरीवन आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जैसे कि अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और अलग अलग पार्टीज में से जो इलेक्ट हो जाती है वोट्स के द्वारा तो वो जो है उसकी सरकार बन जाती है ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलग अलग होती हैं उनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है और उनका अपना अपना इन्फ्लुएंस होता है और ये जो है गवर्नमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होती है अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डैट सब्सक्राइब्स टू अ सर्टेन आइडियोलॉजी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं ठीक है पावर के लिए पॉलिटिकल पावर के लिए अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी की तो एक तरह की ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या करती हैं इन्फ्लुंस करती है प्रभावित करती हैं अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं सीट्स सीट्स जो है उनको मिलती हैं तो ये इनके कुछ जो स्पेसिफ़िक गोल्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है ए पोलिटिकल पार्टी इज़ अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट टिपिकली सीक्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी जो पोलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है इन्फ्लुएंस करती है प्रभावित डालती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसे प्रभावित करती है प्रभाव डालती है ठीक है उनके अपने जो हैं कैंडिडेट्स होते हैं उसको नॉमिनेट करती है ठीक है तो लिबरल डेमोक्रेसी में इसकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन नॉन पार्टीशन सिस्टम नो ऑफिशियल पोलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट अगर हम नॉन पार्टीशन सिस्टम की बात करें तो पोलिटिकल पार्टी जो है वो इसमें ऑफिशियल पोलिटिकल पार्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है इसमें सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अनलेस देर आर लीगल प्रोहिबंस अगेंस्ट पोलिटिकल पार्टीज फैक्शन विद इन नॉन पार्टीशन सिस्टम ऑफन इन्वॉल्विंग टू पोलिटिकल पार्टीज इन सिंगल पार्टी सिस्टम वन पार्टी सिस्टम इज लीगली अलोड टू होल्ड इफेक्टिव पावर ये जो है सिंगल पार्टी सिस्टम भी होता है बाई पार्टी सिस्टम भी हम कह सकते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है जैसे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो जो एक सिंगल पार्टी सिस्टम है उसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है ठीक है उसको ही उसके इफेक्टिव पावर जो है सभी उसके हाथ में होती है पोलिटिकल ऑर्गनाइजेशन जो हैं पोलटिकल पार्टीज़ आर पोलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन पोलटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही हैं जो कि गोमेंट पॉलिसी को क्या करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं प्रभावित जो है प्रभाव डालती हैं उन्हें प्रभावित करती हैं अ पोलिटिकल पार्टी इज़ अ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट टिपिकली सीक टू इन्फ्लुएंस गर्मेंट पॉलिसी यूजली वाई नोमिनेटिंग कैंडिडेट्स विद अलाइंट पोलिटिकल व्यूज़ एंड ट्राइन टू सीट दैम इन पोलिटिकल ऑफिस ये भी अगेन ही है द मॉडर्न पोलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ टू पार्टी सिस्टम अगर हम बात करें यूएस की तो उसमें जो है टू पार्टी सिस्टम है ठीक है जिसे हम बाय पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी पोलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन द टाइप ऑफ इलेक्टोरियल सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ पार्टी ठीक है कि इसमें इलेक्टोरियल सिस्टम कैसा है उसके लिए पोलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग टाइप्स की होती है ठीक है इन अ नॉन पार्टीशन सिस्टम नो ऑफिशियल पोलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट अगर नॉन पार्टीशन है तो कोई भी ऑफिशियल इसमें पोलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसमें कई बार इलीगल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो होती हैं टू पार्टी सिस्टम जैसे कि जमाया और घाना है ये दो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि डोमिनेट करती है ठीक है तो कुछ ऐसे पार्टी सिस्टम्स भी होते हैं जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं इलेक्टोरियल सक्सेस के लिए तो इसमें जो पार्टी सिस्टम है वो अलग अलग तरीके की मोस्टली पार्टीज़ होती हैं कुछ जो है पार्टीशन भी होते हैं और कुछ नॉन पार्टीशन होती हैं ठीक है और ये जो है मेन एक इंटरेस्ट जो है इनमें इनके अपने वैल्यूज़ होते हैं ठीक है द नेशनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल जो है एक नेशन के लिए जो नेशनल पार्टी बनी होती है द मॉडर्न पोलिटिकल पार्टी सिस्टम इन द यू एस इज़ टू पार्टी सिस्टम अगर हम यू एस की बात करें तो उसमें टू पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ठीक है मैंने माइनर और थर्ड पोलिटिकल पार्टीज अपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है थर्ड पार्टी जो है वो बनती रहती है टाइम टू टाइम कभी बन जाती है कभी जो है वो डिजोल्व हो जाती है अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज़ आर मोर लूजली ऑर्गेनाइज दैन दोज इन अदर कंट्रीज तो जो अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज हैं मतलब कि इसमें मोस्टली टू ही पार्टीज़ जो हैं देखने को मिलती हैं ठीक है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ हाउ पोलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे नेशनल लेवल पर पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई ठीक है सिग्निफिकेंस भी पता चलता है कि कितने जो पोलिटिकल uh, पार्टीज़ हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट हैं रूल्स रेगुलेशंस जो हैं बनाने के लिए uh, जैसे रूलिंग उनकी वोट्स होती है रूलिंग पार्टी बनती है तो फिर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो किसके द्वारा बनते हैं उन पार्टीज़ के थ्रू ठीक है मतलब कि जो हमारा रूलर होता है तो वो जो है पार्टी के ही मेंबर्स होते हैं सारे पार्टी आइडेंटिफिकेशन पार्टी आइडेंटिफिकेशन इज़ टिपिकली डिटामाइंड बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट एन इंडिविजुअल मोस्ट कॉमनली सपोर्ट पार्टी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो जिस पार्टी को व्यक्ति जिसको सपोर्ट करता है उसे पार्टी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है क्योंकि इंडिविजुअल जो हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या अलग अलग पार्टीज उनके क्या इंटरेस्ट पार्टी आइडेंटिफिकेशन इज़ टिपिकली डिटरमाइंड बाय द पॉलिटिकल पार्टी दैट एन इंडिविजुअल मोस्ट कॉमनली स्पोर्ट जो व्यक्ति जो हैं उसे सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा ये जो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो पार्टी है वो क्या काम करती है किसके लिए काम करती है ना उन्होंने क्या क्या ठीक काम किए हैं इन द यू एस पोलिटिकल पार्टीज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट यूएस में थ्री पार्ट में होती है पार्टी सिस्टम एक होता है गवर्नमेंट द पार्टी एज ऑर्गेनाइजेशन एंड द पार्टी एज इलेक्ट्रोइट ठीक है तीन तरह के होते हैं कौन कौन से गमेंट द पार्टी एज ऑर्गेनाइजेशन और द पार्टी एज़ इलेक्ट्रोइ पोलिटिकल साइंटिस्ट हैव डिवेल्प मैनी थ्योरीज टू चाइल्ड हुड इंफ्लुस ऑन पोलिटिकल पार्टी आइडेंटिफिकेसन पोलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज बनाई हुई हैं ताकि पता चले पोलिटिकल पार्टीज के बारे में माइनर पार्टीज़ का भी जो है कई बार बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है प्रभाव होता है तो वो क्या होता है द प्रॉब्लम ही अपॉन इट्सल्फ एज मार्जनल मार्जनेलिटी ऑफ थर्ड पार्टीज मीन्स दैट दे आर नॉट वेल नॉन इनफ टू अट्रैक्ट नेशनल अटेंशन थर्ड पार्टी जो है वो अभी तक अटैन uh, अट्रैक्ट uh, नहीं कर पा कर पाई हुई होती ठीक है जो मेन है वो टू पार्टीज होती हैं नेशनल अटेंशन जो है वो नहीं अभी गेन uh, उसने किया होता Representatives and twenty two governors that were not affiliated with a major political party. However, uh, third parties do not play an important role in national politics. Jo isme third party and third party ka itna role hota. Third parties usually organize

कैंडिडेट्स कई बारी जो थर्ड पा थर्ड पार्टी होती है वो भी जीत जाती है उन वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है तो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता कई बारी इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है आइडियोलॉजिकल अगर हम थर्ड पार्टीज़ की बात करें अ थर्ड पार्टी इज़ एनी पार्टी दैट सपोर्ट अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन अदर देन द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे अलावा अगर कोई कैंडिडेट उन्हें सपोर्ट करता है तो थर्ड पार्टी बन जाती है ठीक है वैसे तो मेजर पार्टीज दो हैं अमेरिका में हमने अगर बात की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ठीक है थर्ड पार्टीज जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और इनफ्लुएंस डालने की कोशिश करती हैं डिस्क्राइब द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टीज इन अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ठीक है इसमें जो है लार्जेस्ट पार्टी तो मेन ही होती हैं तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन लेकिन थर्ड पार्टी का भी कई बारी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है मतलब कि इम्पैक्ट डालती है कई बार थर्ड पार्टी भी टू पार्टी सिस्टम जो है मोस्टली कई बार कई देशों में देखने को मिलता है जैसे कि हमने अब दो तीन बार बात कर ही ली है कि यू में जो है टू पार्टी सिस्टम है टू तो जिसमें टू पार्टीज़ हों उनका रोल ज़्यादा हो तो वो टू पार्टी सिस्टम कहलाता है ठीक है टू पार्टीज़ की ही डोमिनेशन हो तो वो टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है ठीक है इसमें जो है सेंट्रलिज़म होती है टू पार्टीज़ में ही लेस्ट एक्सट्रीज़म मतलब कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है इसमें नहीं होता ब्रेक डाउन ऑफ पोलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन द यू एस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द वन ट्वेल्थ कांग्रेस इसमें जो है वन टवेल्थ कांग्रेस में टू पार्टी सिस्टम जो है इसकी ब्रेक डाउन हुई थी इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे हमने प्रेशर ग्रुप के बारे में जाना वैसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल uh, करने के लिए पब्लिक पॉलिसी को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं प्रभावित करते हैं दे आर नॉन अलाइंड विद एनी पोलिटिकल पार्टी एंड वर्कस एज इनडायरेक्ट ना ही वो किसी पोलिटिकल पार्टी के होते हैं वो जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं बस किसी भी डिसीज़न में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है ये भी जो है परमानेंट कई बार पर नहीं होते ये डिसॉल्व हो जाते हैं कभी एमर्ज हो जाते हैं और कभी डिसॉल्व हो जाते हैं प्रेशर ग्रुप आर द इंटरेस्ट ग्रुप विच ट्राई टू सिक्योर द इंटरेस्ट बाई इन्फ्लुएंसिंग द फॉमोलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो कि प्रेशर डालते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रेशराइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ठीक है उन्हें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है ये नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ठीक है ये इनडायरेक्ट होते हैं इनविजिबल भी कह सकते हैं ये मोस्टली जो है ये स्ट्रगल करते हैं आ, प्रेशर ग्रुप जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ठीक है आ, अपनी आ, जो है पोलिटिकल पार्टीज़ में इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके प्रेशराइज़ करते हैं इनके वेज़ होते हैं जैसे कि बंद हो गया कोई स्ट्राइक हो गया तो इन वेज़ को जो है वो यूज़ करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप में और पॉलिटिकल ग्रुप में जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसीज़न मेकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी जो है इनमें डिफरेंस पाया जाता है द मेजर डिफरेंस बिटवीन पोलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर एज फॉलोज प्रेशर ग्रुप इज़ अ पब्लिक बॉडी प्रेशर ग्रुप जो है एक पब्लिक बॉडी होती है पोलिटिकल पार्टी से अलग होती है लेकिन पोलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है प्रेशर ग्रुप एक्ट इज़ इनडायरेक्ट एज वेल एज इंटरमीडियंट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट ये क्या करते हैं प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे प्रेशराइज़ करते हैं गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए लेकिन जो पोलिटिकल पार्टी होती है वो तो उनकी तो सरकार होती है तो वो उनके रूल्स रेगुलेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टी जो है जीती हुई होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है वो तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो तो वैसे ही जो है इन्फ्लुएंस डाल रही होती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है ठीक है तो मतलब कि मोस्टली जो विनिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अकॉर्डिंग तो चल ही रही होती है हमारी गवर्नमेंट जो है प्रेशर ग्रुप प्रेशराइज एग्जीक्यूटिव एंड लजिसटिव प्रेशर ग्रुप जो है वो प्रेशर डालती है एग्जीक्यूटिव पर भी लेजिस्लेचर पर भी अपने एम को जो है अचीव करने के लिए लेकिन पोलिटिकल पार्टी का तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन ही होता है प्रेशर ग्रुप जो है वो इमर्ज भी हो जाते हैं डिजॉल्व भी हो जाते हैं लेकिन पोलिटिकल पार्टी जो है वो होती है प्रेशर ग्रुप जो है अपने वर्क अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करती है इसी तरीके से हमने आज पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानना कि कैसे वो काम करते हैं सो होप यू लाइक दिस चैनल जय हिंद जय भारत